फिर से वेलकम है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है एक्स्ट्रा किलोमीटर। आज हम अपनी गाड़ी में जो 12 वाट का सॉकेट होता है जिसमें हम चार्जर लगाते हैं या सिगरेट का लाइटर लगाते हैं वो वर्क नहीं कर रहा है, तो आज हम इसे देखेंगे इसमें क्या कमी आ गई है, अगर जो कमी है इसे सही करते हैं। अब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इसमें स्टार्ट हो गई है, ये देखिए इसमें लाइट आ नहीं रही है, मतलब ये वर्क नहीं कर रहा है, इसमें पावर नहीं आ रही है। तो पावर क्यों नहीं आ रही है हम इसमें चेक करते हैं। ये फ्यूज़ होता है लगा हुआ, फ्यूज़ इसका डिफ्यूज़ हो रहा है, तो वही यहाँ से चेक करते हैं, अगर वो दिक्कत है तो हम खुद ही ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे लगा होता है फ्यूज़ बॉक्स डैशबोर्ड के नीचे, उसमें से हम देख लेंगे इसका फ्यूज़ सही है या ख़राब है। चलिए खोलते हैं फिर इसे। यहाँ पे लगा होता है ये प्लास्टिक का नट सा लगा हुआ है, इसे हम घुमा के खोल लेंगे, आराम से खोलिए टूटे ना वरना फिर ये लूज़ हो जाएगा। इसे हमने खोल लिया है, ये निकल गया, ये देखिए ये प्लास्टिक का नट सा ये निकाल लिया, आराम से निकालिए टूटे ना, ये निकल गया है। इसका फ्यूज़ बॉक्स देखते हैं कहाँ है, ये इसके ऊपर लगा हुआ है, ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है आपको, इसे हम कवर है ये कवर खोल लेंगे। इसके ऊपर लिखा होता है कि कौन सा फ्यूज़ कितने एम्पेयर का कहाँ पे लगा हुआ है, आपकी लोकेशन दी होती है, ये इस पर सब लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ कितने एम्पेयर का है, कौन सा है, कैसा है। यहाँ पे जो लाइन दिख रही है आपको क्रॉस जो हुई हुई है वो ब्लैंक है, तो उससे अंदाज़ा लगा लेंगे। उसके सामने से नीचे वाला हमारा है 12 वाट का सॉकेट, ये देखिए ये जहाँ स्क्रू ड्राइवर लगाया ब्लू कलर का 15 एम्पेयर का, यही हमारा 12 वाट का, इसे हम निकाल लेंगे, आराम से निकालिए टूटे ना, थोड़ा टाइट है ये, हाथ वहाँ पे जाता नहीं है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये देख ये निकल गया, फिक्स होता है ये सही से ताकि झटकों में निकले ना। ये देखिए बीच से ये टूट जाता है, ये 15 एम्पियर लिखा हुआ है, इस पर बीच में जो वायर जा रहा है ये वायर टूट जाता अगर शॉर्ट होता तो हम चेंज कर लेंगे। देखिए मार्केट में हमें 15 का मिला नहीं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए हमने 20 का ले लिया फ़िलहाल, इसे बाद में हम चेंज कर लेंगे। ये देखिए बीच में एक वायर जा रहा है इसका पतला सा, वो बीच में टूट जाता है तो फिर वर्क करना बंद कर देता है। ये देखिए हल्का सा आपको नज़र आ रहा हो शायद, यही होता है यहीं से बीच से टूट जाता है वो। चलिए इसे हम लगा लेते हैं सॉकेट में, इसे डाल देते हैं, ये लगा दिया हमने, इसे टाइट कर देते हैं ताकि ये निकले ना। चलिए इसका बॉक्स का कवर भी लगा देते हैं, ये हमने लगा दिया इसका कवर, फिक्स हो गया ये। चलिए अब देखते हैं ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, पहले इसे फिक्स करते हैं, इसका कवर भी लगा देते हैं, ये लगा दिया हमने इसका कवर भी, आराम से लगाइए ताकि टूटे ना, ये फिक्स हो गया है। जी 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 ये एकदम आराम से इसे फिक्स हो गया है, इसका नट लगा देंगे हम, टाइट कर देंगे ताकि निकले ना ये, स्क्रू टाइप का है ये तो घुमाने से टाइट हो जाता है, ये हमने कर दिया है। चलिए इंजन ऑन करते हैं, गाड़ी की पावर ऑन करते हैं, ये ऑन कर लिया है, अब हम
सॉकेट में चार्जर लगा के देखेंगे इसमें लाइट आ रही है नहीं आ रही है, पावर इसका सही हुआ नहीं है हुआ है। ये देखिए इसमें लाइट जल गई है, मतलब हमारा सही हो गया है सॉकेट। इसकी आईसी ख़राब थी, हमने आईसी चेंज कर दी। आप ख़ुद भी आईसी चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैकेनिक के पास जाएं आप। 5-10 रुपए की आईसी मिलती है मार्केट से, ख़रीद के आप ख़ुद भी चेंज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा, वरना आप ख़ुद भी कर सकते हैं इसे। थोड़ा लूज़ है, ये देखिए लाइट आ गई है। होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हल्का सा लूज़ है इसलिए हिलता रहता है, वरना पावर आ चुके है, ये सही हो चुका है।